हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज, जिसमें हम लोग अब देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एस्टीमेट ऑफ दिस इंडेक्स फॉर द ईयर 2015-16 के लिए आपको एस्टीमेटेड वैल्यू काउंट करनी है फिटिंग द लीनियर इक्वेशन, यानी कि सेकंड मेथड आपको यूटिलाइज करनी है। ईयर एंड सीआईआई अवेलेबल है, कॉस्ट इन्फ्लेशन एंड डेज नंबर वैल्यू में लेते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, ईयर को मिनिमाइज करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, वी विल टेक t इज इक्वल टू 1 टू 8 रिस्पेक्टिवली फॉर द गिवन ईयर्स। ये ईयर्स हमें लेते हैं ईयर्स के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन और एट ईयर्स अवेलेबल है। एट ईयर्स अवेलेबल है, इसका मतलब हमने लिख दिया यहां x, we get n is equal to 8। देन CII जो क्वेश्चन नंबर लेवल है उसे लिख लिया y दीजिए, इसका टोटल करेंगे तो मिलेंगे सिग्मा वाई, सिग्मा टी स्क्वायर, सिग्मा टी वाई। टी स्क्वायर के लिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 48, 64 और टी वाई टी वाई टू टी 5.1, 551 इंटू 1 यानी कि 551। Then 582 into 2, 1164. 632 into 3, 1896. 711 into 3, 711 into 4, 2844. 785 into 5, 3925. 852 into 6, 5112. 99 into 7, 6573. 1024 into 8, 8192. अच्छा, टोटल करना है तो पहले ये टोटल करना पड़ेगा। फाइनली 51 प्लस 582 प्लस 632 प्लस 711 प्लस 785 प्लस 852 प्लस 939 प्लस 1024 दैट इज 6076। इसका टोटल कर लो 36, इसका टोटल 204, and I don't know, 551 plus 1164 plus 1896 plus 2844 plus 3925 plus 5112 plus 6573 plus 8192
10 into sigma t by minus sigma t into sigma y upon 10 into sigma t square minus sigma t whole square. अब 10 की जगह पे क्या लिखना है, 10 की जगह पे लिखना है 8 सिग्मा टी बाय के लिए 30,257 माइनस सिग्मा टी की जगह पे लिखना है 36 सिग्मा वाई की जगह पे लिखना है 6076 सिग्मा वाई की जगह पे लिखना है सिग्मा टी की जगह पे लिखना है 10 की जगह पे लिखना है 8 sigma t square 204 36 square 8 multiplied with 30,257 252,056 minus 36 into 6076 218,736 204 into 8 1632 minus 36 square 1096 चलो 242,036 minus 218,736 23,320 divided by 162 minus 1296 336 B is equal to 23,320 divided by 336 69.4 अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 69.4047 इसका मतलब आप 69.40 या फिर 69.4 लिख सकते हो. स्टेप 1 y बार t बार b. अब स्टेप 3 हमारे लिए कैलकुलेशन करना है. स्टेप नंबर 4 a. a इज इक्वल टू y बार माइनस b इनटू t बार. चलो y बार के लिए हमने पहले कैलकुलेशन कर लिया है 759.5 minus 69.40 into t bar. T bar is 4.5. 759.5 minus 69.4 into 4.5. 312.3. A is equal to 759.5 minus 312.3 डिफरेंस हो गया 447.2. स्टेप 4 उसके बाद स्टेप 5. स्टेप 5 में कैलकुलेशन के लिए क्या करना है. स्टेप 5 लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन y के इज इक्वल टू a प्लस b t. एक ही जगह पे लिखना है 447.2 प्लस b. अब t की जगह पे a की जगह पे या b की जगह पे 69.4 into t. ये हो गया y cap. लीनियर इक्वेशन मिल गया. अब क्वेश्चन लिखा है फॉर द ईयर 2015-16. हमने 14-15 के लिए a रिज्यूम किया है. स्टेप नंबर 6
447.2 प्लस 69.4 इंटू 9 624.6 प्लस 447.2 यानी ये हो गया 1071.8 इन्फ्लेशन कॉस्ट 1041.8। ये हमारा क्वेश्चन जिसमें आपको क्रिएट करना था फाइंड द एस्टीमेट वैल्यू, एस्टीमेट वैल्यू लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा क्योंकि कैलकुलेशन करना है थोड़ा बहुत। थैंक यू।